हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से फिर से एक और न्यू फोन लॉन्च किया गया है, जिसे मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इट इज वैल्यू फॉर मनी फोन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 25G। और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं रिव्यू 10। मैं टेक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बात करते हैं इसकी डिजाइन की। तो इसका जो बैक पैनल है पॉलीकार्बोनेट का है, साथ ही फ्रेम से भी पॉलीकार्बोनेट के दिए गए हैं। बैक में डुअल टेक्चर डिजाइन है। नीचे की तरफ 3.5mm का ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट, माइक होल एंड स्पीकर्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है और राइट साइड में पावर बटन और उसी में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है, जो कि बहुत फास्ट वर्क करता है। बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 6.6 इंच वाली फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगी। इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी काफी कमाल की है। साथ ही वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल है। इसकी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है और साथ ही 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो काफी स्मूथली काम करता है। टच रिस्पांस जो स्मूथनेस होती है डे टू डे लाइफ की, वो भी बहुत अच्छी दी गई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 वाला एक 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। जिस प्राइस में इसे लॉन्च किया गया है, यह इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला पहला फोन है जिसमें इस चिपसेट का यूज किया गया है। इस प्रोसेसर की हेल्प से आप हैवी लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही LPDDR4 रैम का सपोर्ट मिलता है। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 4GB स्टोरेज पहले से ही मिलती है, बट इसमें आप 3GB स्टोरेज वर्चुअली एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें eMMC 5.1 की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। आउट द बॉक्स यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर आता है और XOS 10.6 पर वर्क करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी की तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है 18W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को, जो कि 1.5 घंटे के आसपास आपके मोबाइल को फुल्ली चार्ज कर देगा। चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है बट बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो 12 5G बैंड है, 5.1 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, डुअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट है, हॉल सेंसर का सपोर्ट है और साथ ही FM रेडियो भी दिया गया है। फाइनली कैमरे की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 50MP का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है। EIS का सपोर्ट है। इसमें 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही सुपर नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR पैनोरमा जैसे कई सारे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के ऑप्शन मिल जाते हैं। और क्वाड LED फ्लैश भी दी गई है, जो अक्सर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में मिलती है। सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो AI सेंसर है। फ्रंट में भी आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और फाइनली बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका 4GB प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 11,999 रुपीज में मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस फोन की बात की जाए तो इसका डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी सभी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात की इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो ज्यादातर 15,000 से 20,000 तक की रेंज में आने वाले फोन में दिया जाता है, बट इन्फिनिक्स ने इस प्राइस पॉइंट में इस फोन पर दिया है। तो बाकी सभी चीजें बढ़िया दी गई है। और यह फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इन्फिनिक्स के 1200 से ज्यादा सर्विस सेंटर अवेलेबल है। तो यदि आपको यह स्मार्टफोन परचेस करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।